तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग पे। आज मैं आपको हैप्पी करवा चौथ की बधाई देना चाहता हूँ सभी कपल लोगों के लिए। और आज मैं जा रहा हूँ बाज़ार, क्योंकि अंजू ने मुझसे थोड़ा जो है सामान वगैरह मंगवाया है। और ये है मेरे बैक साइड केतन, जो कि अभी ही घर से आया है थोड़ी देर पहले। और अब हम जाने वाले हैं थोड़ा बाज़ार, क्योंकि जो सामान है उसका वो लेने वाले हैं। थोड़े कल उसने शॉपिंग की थी, जूते वगैरह लिए थे, वो थोड़े बड़ा आ गया साइज, तो उसको मैं रिटर्न करवाने भी जा रहा हूँ। और अब मैं मिलता हूँ आपसे करंट लोकेशन बाज़ार पे ही, क्योंकि यहाँ से जो मुझे अभी थोड़ा रुक रुक के जाना है, तो मैं आपसे मिलूँगा सीधा शॉप पे ही। तो बने रहे ब्लॉग पे मेरे साथ। और हमने जो है सामान वगैरह ले लिया है, और अभी हम ले रहे हैं केले और नारियल वगैरह जो कि पूजा में लगने वाले हैं हमारे। और ये रहे सामने नारियल। और अब हम निकलेंगे घर, और घर पे भी हमें थोड़ा बहुत काम करने के हुए अंजू को सामान देना है। केतन जो है अभी सामान लेके आ गया है, और अब हम जाएंगे घर, और फिर घर में अंजू को ये सामान वगैरह दे देंगे। और मैं मिलूँगा आपसे अब घर पे ही, क्योंकि अभी अंजू को जो है सामान वगैरह अभी पकड़वाना है, क्योंकि वो लेट हो जाएगी। तो चलते हैं अब घर। और हम जो है पहुंच गए हैं अभी अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास, जो कि हम मेरे बैक साइड देख सकते हो। ये भी बहुत अच्छा मंदिर बना है, और शिव मंदिर यहाँ बैक साइड है हम मेरे, जो कि आपको बैक साइड दिख रहा है। यहाँ से मैं आ गया हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि यहीं पास में ही घर रह गया है। और अंजू का जो सामान है वो भी केतन ने पकड़ लिया है, और मैं मिलता हूँ घर का आपको अंजू के साथ। जो हूँ घर में पहुँच चुका हूँ, और ये अंजू रही आए कदे, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो इसने अभी मेहंदी लगवाई है, जो कि एक लड़की ने लगवाई है इसको। ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छा डिज़ाइन डाला है। और ये रहा लेफ्ट हैंड, और ये लगवाई है मैंने कल रात को, और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर डाला है। तो मैं जो हूँ मंदिर आ गया हूँ, और आज दर्शन करना ज़रूरी है। और यहाँ रश की देख के तो मैं खजल हो गया भाई, यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश है, और यहाँ लोग देख सकते हो गेट पे भी बहुत ज़्यादा है। और आज करवा चौथ का दिन भी है, और संडे भी है, इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं, अपना सुहाग छोड़ने आए हैं यहाँ पे, सुहागी जो होती है। अब मैं मिलूँगा आपसे शाम को ही, क्योंकि मेरे फ्रेंड की शादी है वहाँ पर। और ये जो है हम अभी कद्दू काट रहे हैं, जो कि हमारे अब मीठे के लिए लगेगा, और इसका खट्टा भी बनेगा। अभी हमें और काम थोड़ा करना बच गया है। और ये जो है दोस्तों, हमने काट दी है मिक्स वेज, जिसमें कि हमारा बीन और बैंगन और शिमला मिर्च आ गई है। और अब हम चलेंगे आगे थोड़ा काम और करने को, फिर मैं चलूँगा घर, जो मेरा वेट कर रही है। जो हूँ घर पर पहुँच चुका हूँ, और शादी का काम भी हो गया, और मंदिर में भी आज बहुत ज़्यादा रश था। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंजू को जो आज ड्रेसअप है और आज मेकअप किया है, कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको आज अंजू को। और ये जो अंजू रही, जी हाँ, देख सकते हो आप। और आज अंजू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल। और आज कैसा लग रहा है? भूख लग रही है? भूख भी लग रही, अभी तो चांद भी नहीं निकला है। और आज हम मामा मामी के घर आए हैं, और यहाँ ही अंजू आज अपना व्रत खोलेगी। तो चलते हैं बाहर की ओर, हम थोड़ा चांद देख लेते हैं। टाइम हो चुका है 10:15 रह गए हैं। अब मैं आपको बाहर का दिखाने वाला हूँ। ये रही है हमारी करसोग सिटी, जो कि वैली के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, करसोग वैली। नाइट व्यू यहाँ का ऐसा है जो कि आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छा है। और अब मैं दिखाने जा रहा हूँ जिस साइड से चांद निकलने वाला है, चांद निकलने वाला है हमारा इस वाली साइड से। और मैं आपको लेंटर के ऊपर से चढ़ के बताता हूँ, और आप देख सकते हो इस साइड कोई भी अभी संभावना नहीं है चांद निकलने की। और बिल्कुल ही मौसम पे अभी तारे लगे हैं, और मौसम अभी दिखाई नहीं दे रहा, हल्के हल्के तारे दिखाई दे रहे हैं मेरे को, जो कैमरे में शूट नहीं हो रहे हैं। और थोड़ा सा ये देख सकते हो आप, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज बादल बहुत ज़्यादा थे। अभी मैं शादी से आया हूँ यहाँ से, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है ये वाला घर। और यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और मैं चलता हूँ अंदर, जो कि मामा वगैरह मामी वगैरह बैठे हैं, उनका भी अभी व्रत होना बाकी है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको अपनी हल्की सी जॉइंट, अब हमारी फैमिली। और ये बैठी है अंजू और मामा मामी मम्मी, और ये बैठा है उनका बेटा लड़की। और यहाँ बातें चली है जी फाड़ी भाषा में, जो आप देख सकते हो इनकी व्रत की बातें चली है, कब कैसे खोलना है। और ये जो हमारी प्लेट रेडी हो गई है पूजा के लिए, जो इसमें नारियल वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाए, लड्डू। और इसके बाद अभी हम खाने वाले हैं, और अभी तैयारी हो रही है व्रत के खोलने की, जो
पूजा की सामग्री है और ये अंजू है और मामी जी भी तैयारी कर रही है, मम्मी बैठी है साथ में और ये देख सकते हो अच्छे से हमारी प्लेट में पूजा की रखे विरख पारे की। और अभी चांद भी निकल गया है और अब हम बाहर भी जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं। क्या क्या दिन भी बहुत अच्छा है, फिर से मैं आप सभी को करवा चौथ की बधाई देना चाहता हूँ। और ये रहा स्वागी के लिए, स्वागी दी जाती है जो कि स्वागी, और ये है हमारी प्लेट और ये है हमारा जो धाटू खाड़ी भाषा में है सिर में लगाने वाला, ये मम्मी को हमने लाया है अपनी ओर से जो कि हमारा रीति रिवाज है देना पड़ता है और इस पे हमने दस्तरखा चढ़ा दिए है और ये हम देने वाले हैं मम्मी को और जो कि स्वागी के नाम से दिया जाता है। और अभी मामा वगैरह भी जाने वाले हैं बाहर हमारे साथ। और अभी एक बात और बता दूं मैं, आज टाइम भी बहुत हो गया है क्योंकि इधर उधर जो हमारे मुमेर जो कि हमारा यहाँ है गांव है यहाँ पे जो चांद निकल गया है और अब हम चलेंगे बाहर और यहाँ मामी जी भी रेडी हो गए हैं और मैं आपको चांद के दर्शन भी करा देता हूँ जो कि यहाँ से दिख रहे हैं। अब चांद बिल्कुल ही सामने निकल गया है, ये देख सकते हो आप बिल्कुल प्यारा सा निकल गया है चांद। अब हम व्रत खोलने वाले हैं अपना क्योंकि आज अंजू भी सुबह से भूखी है और मैं भी सुबह मैंने खा लिया था फिर मैंने उसके बाद खाना नहीं खाया। ये है हमारा जो यहाँ से प्यारा सा चांद दिख रहा है और अब मैं चलूँगा अंदर क्योंकि अंदर जो है इन्होंने प्लेट वगैरह पूजा की रख दी है, मामी ने भी तैयारी कर ली है जो कि अब मम्मी जो कि स्वागी होती है हमारा स्वाग होता है उसको पूजा करके यहीं छोड़ना पड़ता है क्योंकि फिर ये स्वागी जो है मम्मी को दी जाएगी। और ये मामी जी पूजा कर रहे हैं स्वागी की और इस पे जो है नारियल वगैरह जो प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाएगा, धूप वगैरह दिया जाएगा जो कि आप देख सकते हो। और ये हमारा फाड़ी कल्चर जो कि यहाँ कैसे व्रत खोला जाता है आप लोगों के पता नहीं कैसे खोला जाता है, हमारे तो ऐसे खोला जाता है ऐसे प्लेट वगैरह में जो प्रसाद अंजू अब करने वाली है अपनी स्वागी की पूजा जो कि मामी ने कर ली है। और अंजू अब सामने जो रखा पैकेट इसमें जो स्वागी रखी है और पूजा इसकी हो रही है और इसके बाद जो है मम्मी को ये हम दिया जाएगा और इसमें जो तिलक वगैरह है हमारा प्रसाद वगैरह है लगाया जाएगा। और फिर हम जो कि हमारा बाहर का काम है जो चांद देख के व्रत खोलना है वो अलग पूजे लो तले की जय मामी से नारियल पानी अंजू को तले भी छोटा ना गरी पूरी स्वागी वगैरह भी रख ली है पूजा करके बंदे से। और अब हम चलेंगे बाहर जो कि हमारा मेन है और ये देखो गाइस ये है हमारा जो नारियल पानी है मैंने रेडी कर दिया है और अब हम चलेंगे बाहर। एक हाथ में मेरे पानी और दूसरे हाथ में नारियल है क्योंकि जो पानी है ये सूर्यदेव को चांद को चढ़ाया जाएगा और जो नारियल है पानी है ये अंजू को पिलाया जाएगा जो कि व्रत खोलने पे काम आता है। और यहाँ साइड से हमारा चांद दिख रहा है और पहले जो व्रत खोलने वाले हैं मामा मामी खोलने वाले हैं क्योंकि ये हमसे बड़े हैं, क्योंकि हमने ये फैसला लिया क्योंकि आप हमसे बड़े हैं आप पहले करो क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में दूसरा करवा चौथ है, हम आपको देख के ही खोलेंगे। और ये मामी जी अपने चांद को देख के और मामा जी को देख के जो हम आपकी उम्र के लिए मामा की उम्र के लिए जो कि चांद भगवान से प्रार्थना कर रही है क्योंकि जो कि हमारे रिश्ता ऐसा ही बना रहे, उम्र हमारी आपकी उम्र मेरी उम्र तक रहे। और ये पानी चढ़ाया जा रहा है चांद को जो कि ज़रूरी है हमारे यहाँ पे और ये पानी जो है चढ़ गया है और अब मामी पूजा करने वाली है चांद की और ये हो रही है पूजा और मामी थोड़ा चांद देवता से मांग रही है कुछ और अब ये पूजा हो रही है मामा जी के इनके हस्बैंड की। और इसमें दोस्तों ये मान्यता होती है कि जो हमारा कपिल का जो रिलेशन है जो बना रहे पूरी उम्र तक 7 जन्मों तक की इसमें मांगा जाता है चांद देवता से। और ये हमारी बारी भी आ गई है और मैं खड़ा हूँ एकदम सामने अंजू के और अंजू ने भी जो है चांद देवता से मांग लिया है जो भी होता है दोस्तों जो कि भरता है कुछ भी अपने जैसे मांगा जाता है कि उम्र बनी रहे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अभी पहले से। और पूजा वगैरह जो है अंजू ने कर ली है चांद वगैरह की, अब अंजू जल चढ़ाएगी और उसके बाद मैं अंजू को पानी पिलाऊँगा और फिर जो है हमारा व्रत खुल जाएगा। और प्रसाद वगैरह जो है अंजू ने चढ़ा दिया है और अब पूजा हो रही है। उदासी के लम्हों में हमें मुस्कुराना है, मेरे दिल से
रिश्ता पुराना है। और अब जो है मैं अंजू को पिलाने वाला हूँ नारियल पानी, इसके बाद जो कि अंजू का फितरत है खुल जाएगा। और ये पाँव जो है हस्बैंड के छुए जाते हैं और आशीर्वाद दिया जाता है अपनी पत्नियों को। और ये जो है जो मुझे प्रसाद खिला रही है जो कि हमने आपको पता है प्लेट पे रखा था। और अब मैं अंजू को पिलाने वाला हूँ नारियल पानी, जो कि अंजू का जो है अब व्रत खुल जाएगा इसके बाद। और इसके बाद जो है हम खाना वगैरह खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। और ये अंजू को मैंने जो है पानी वगैरह पिला दिया है। और इसके बाद अब होने वाला है हमारा डिनर। और आज करवा चौथ की आपको फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी कपिल लोगों के लिए, जो कि नारियल पानी है जो गिलास पे होता है, निकला होता है जो नारियल से, वो सब पिलाना पड़ता है। और ये गिलास हो गया है बिल्कुल खाली। तो दोस्तों सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे।